अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेडियो चिनार के स्टूडियो से हम आपका वेलकम करते हैं। आपको पता ही है कि रेडियो चिनार में हम और आप मिलके माह रमजान के मुबारक महीने में सेलिब्रेट कर रहे हैं नूरे रमजान। और इसी सिलसिले के तहत आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं। जी हाँ, मुफ्ती बिलाल साहब आए हैं और इनका एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, वो आप तक पहुंचाएंगे। मुफ्ती बिलाल साहब, क्या मैसेज है आपका आज हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल, ये जो वबा फैल रही है आजकल, इस वबा के अंदर हर एक शामिल है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई जवान हो, हर एक हो। लेकिन इस वबा के बारे में जो जानते हैं वो है हमारे डॉक्टर हजरात। जो भी जानते हैं वो हमारे सामने बयान करते हैं। वो तो हम अपनी तरफ से पैगाम देते हैं कि मेडिकल साइंस के एतबार से जो भी SOPs हमें दे रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए हर एतबार से, चाहे वो कोई बड़ा हो, छोटा हो। तो मैं शरीयत एतबार से भी और शरीयत के लिहाज से भी कहता हूँ कि शरीयत ने भी इजाज़त दी है कि आप उन चीज़ों को करें जो चीज़ें हमें शरीयत ने करने को कहा है। मसलन हदीस में आया है कि एक जगह वबा फैल रही थी, तो वबा के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ना वहाँ कोई जाए, ना वहाँ से कोई बाहर आए। तो लिहाजा इस एतबार से हमें यही पता चल रहा है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरी बनाए रखें, चाहे कोई मस्जिद में हो, चाहे कोई किसी एतबार से हो।